अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है आप सब लोग के? कैसे हैं आप? यार आज हम जा रहे हैं 5 मिलियन का कारपेट शूट करने। लाइक 5 मिलियन दरहम। वो कारपेट कैसा होगा? फॉर श्योर उसके ऊपर चला तो नहीं जाता होगा, उसको फ्रेम करा के लगाया हुआ है। और आगे के मनाजिर ख़ुद मैं देखने के लिए बड़ा एक्साइटेड हूँ, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। उसमें एमरल्ड लगे हुए हैं, क्या लगा हुआ है। सो हम वहाँ पर शूट करने के लिए जा रहे हैं उसका उमेर के साथ। तो उमेर वहाँ मेरा वेट कर रहे हैं ऑन लोकेशन। वेट नहीं, वो भी ऑन द वे। तो मैं भी अब ऑन द वे जाता हूँ, क्योंकि किसी फ़ोन के ऊपर जो है लोकेशन सेट होगी और वही हमें हमारी राह दिखाएगी। तो जल्दी से चलते हैं, मिलते हैं फिर। तो गाइस, शूट का ऑलमोस्ट सारा सामान हमारे पास यहाँ ऑन लोकेशन है, और ये है वो 5 मिलियन दरहम का कारपेट जिसको फ्रेम किया हुआ है। और अभी हम थोड़ी देर में इसका शूट स्टार्ट करेंगे। इसमें छोटे छोटे एम्ब्रॉयडर लगे हुए हैं पूरे इंटायर कारपेट के ऊपर। लाइट हम यूज कर रहे हैं 600D Pro, और दूसरी लाइट हम यूज कर रहे हैं अपर्चर 300D2। सो भाई, हमने सॉफ्ट बॉक्स प्लेस कर दिया, हम बस लाइट की एडजस्टमेंट करेंगे जरा। सो इसमें इंटायर पूरी कारपेट के एम्ब्रॉयडर लगे हुए हैं। इसके हमें क्लोजअप शॉट्स लेने हैं, कुछ वीडियोस बनानी है। लाइट ऑन हो गई है हमारी, और दूसरी लाइट भी ऑन होगी। फिर हम ये कर्टन भी क्लोज कर देंगे, सो दैट हमें बिल्कुल एग्जैक्ट द लाइट टू विच वी आर लुकिंग फॉर वो नज़र आए। और फिर हम इसमें शॉट्स लेते हैं, छोटे 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 छोटे, जस्ट ऑल प्योर एम्ब्रॉयडरी। और जब वीडियो इसकी कंप्लीट होगी तो इसकी डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा कि कौन सी जगह पे क्या चीज़ लगी हुई है। तो भाई, शूट के लिए हम यूज़ कर रहे हैं A74 सोनी और 70-200 फॉर द फोटोग्राफी। और जब वीडियो की बारी आएगी तो हम उसमें ये 20 लेंस फॉर द मैक्रो शॉट्स, फॉर क्लोज अप शॉट्स ये लेंगे। कुछ LED भी हम करीब से इस्तेमाल करेंगे, यू नो, जस्ट टू थोड़ा सा और ज़रा वाइब्रेंट करने के लिए, जो उसमें एमरल्ड जो लगे हुए हैं उसको थोड़ा सा और लिट करने के लिए। ये उमेर साहब की बॉडी आ गई। अरे होए, तुमने तो इसके ऊपर भाई स्किन स्किन बड़ी चढ़ा दी है कुछ, बहुत प्यारी लग रही है भाई। शूट अभी हम लोगों ने थोड़ी सी पॉज करी है, बिकॉज यहाँ पर लंच ब्रेक हो गया। खाना भाई, ये साइज़ खाना तो बड़ा मज़े का लग रहा है, लेकिन मेरा ख्याल है ये साइज़ की रोटी तो इसको 25-30 लगानी पड़ जाएंगी। चलो खाना शुरू करते हैं यार, उमेर आ जाए फिर हम। ये है कोई दाल, और एक्चुअली हम लोग जो क्लाइंट है वो हमारे इंडिया से बिलोंग करते हैं, तो ये कुछ समझ नहीं आ रहा क्या है, लेकिन इंटरेस्टिंग लग रहा है। चले खाते हैं तो फिर बताते हैं आपको। तो भाई, ये जो है दाल, ये काली दाल मलका मसूर की, और रोटियों का ऑर्डर भाई देकर आ गए। कितना 25 रोटियाँ अंकल आ गया, अंकल आ गया अंकल भी आ गया हमारे पास, और अब ट्राईपॉड भी आ गया। वैसे अंकल की लोकेशन बड़ी प्यारी है यार, या हम शूट भी कर सकते हैं। तो भाई, ये जिप से हम कुछ शॉट्स ले रहे जो कि प्रोग्राम हो जाते हैं यहाँ पर फ़ोन से। आप इसमें सेटिंग करके एक्सप्लेन कर देंगे कितनी रोटेशन चाहिए, क्या स्पीड चाहिए, और फिर उसके बाद यहाँ पर रिकॉर्ड करें। अब ये शॉट जो रिकॉर्ड हुआ है, इसकी मैं थोड़ा सा आपको एक झलक दिखाता हूँ। तो भाई, फाइनल शॉट तो हम आपको बाद में देखने को मिलेगा,
लेकिन एक झलक आपको दिखाते हैं। हाय 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 हाय, दिस इज द रिजल्ट ऑफ दिस मैक्रो लेंस अलोंग विद जिप। शूट तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है हमारी और अंकल ने बड़ी प्यारी मौसीकी भी लगा दी है। इनका साउंड सिस्टम तो अमेजिंग है, मतलब क्या ही बात है। तो आप सोचें जो बंदा मतलब माशाल्लाह कारपेट 5, मैं तो बार बार भूल ही जाता हूँ, 5 मिलियन की कारपेट अपनी वॉल के ऊपर टांग सकते हैं, उनका साउंड सिस्टम कैसा होगा फिर। तो अभी हम चाय इन्जॉय कर रहे हैं और थोड़े से वीडियो शॉट्स देकर फिर हम यहाँ से पैकअप कर रहे हैं। टी टाइम, और फिर इसके बाद हम ये पूरा अपना ताम तोड़ा पैक करेंगे। बाय द वे ये अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अंकल को म्यूज़िक का कितना बड़ा क्रेज़ है। इन्होंने इसकी डीवीडी ये पूरी कन्वर्ट करवाई टू गेट द बेस्ट ऑडियो। वाह क्या ही बात है ये। चले जी हम चाय इन्जॉय करते हैं। भाई शूट तो हमारा कंप्लीट हो चुका है, मैंने ये सारे इसके क्लोजअप भी ले लिए, तस्वीरें भी खींच ली, सब कुछ हो चुका है और अब बस आई गेस पैकअप का टाइम है। 5 मिलियन धर्म, मैं तो मतलब कितने जीरो आएंगे इसमें। यहाँ पर हम अभी जो यूज़ कर रहे हैं वो A7S III अलॉन्ग विद 35mm 1.4। सो कुछ वीडियो शॉट्स ले रहे हैं और उसके बाद हम उसकी एडिट प्रोसेस करेंगे, कुछ तस्वीरें हैं उसकी। ये है वो किस पर्पस रहा है भाई? NFT. NFT इज़ द फ्यूचर और ये जो है इसकी मुख्तलिफ इमेजेस जो है NFT के ऊपर जाएंगी। एंड हम जो है पता नहीं क्या कर रहे हैं। छोड़ यार फोटोग्राफी, छोड़ भाई, छोड़ यार यार, तू क्या कबर वबर टूट जाएगी तेरी। तो ये सारे एम्ब्रॉयडर्ड लगे हुए और जो इस कारपेट को बनाता है 5 मिलियन धर्म का, अब इसकी कुछ क्लोजअप्स के इमेजेस की सारी NFTs बनेंगी। और मेरे साथ साथ इसकी डिटेल भी तो बताओ, ये क्या है? ये जेम स्टोन है, सफायर है, आई डोंट नो, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ जेम स्टोन हैं और ये एक ही दफ़ा हाथ से काटे हुए और दोबारा ये कटेंगे भी नहीं। एक ही दफ़ा एक ही डिज़ाइन बनाए, ये दोबारा कॉपी नहीं हो सकता। तो जो भी कॉपी करेगा उसके हाथ काट दिए जाएंगे। शूट ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है, ओमेर कुछ एंडिंग शॉट्स ले रहे हैं यहाँ पर। और तो ये आज हम यहाँ पर आए थे ओमेर के साथ इस कारपेट का शूट करने, इसमें हमने कुछ स्टिल्स लिए और जैसे ओमेर ने बताया कि इसमें मुख्तलिफ जेम्स लगे हुए हैं। जेम्स कहेंगे हम और क्या कहेंगे? जेम स्टोन। वो ये जैम वो नहीं है ब्लू बैंड माजरीन वाली जैम जो आप टोस्ट पे लगा कर खाते हैं, ये स्टोन। और इसमें अलग अलग कलर्स अलग अलग शेप में ये कट किए गए और ये दोबारा नहीं बन सकता, दैट्स द स्पेशलिटी। और इसी वजह से इसकी जो है इमेजेस की NFT बनाएंगे और वो फिर सेल करेंगे। वो मैर और मैं इसका हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन हमें कुछ मिलेगा नहीं। चलें गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी और इस तरह की आगे भी इंशाल्लाह प्रोजेक्ट्स मिलते रहेंगे तो आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे। उमेर के चैनल को भी आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। उमेर भाई, आपके चैनल का नाम आपको याद है? उमेर मुख्तार। तो इनके यूट्यूब के जॉब पर जाकर आप सब्सक्राइब करें, आपको रशिया साइड की, यूरोप साइड की बड़ी अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखने को मिलेंगी। सो अब हम वापसी के सफ़र में तो मुझे लोकेशन लगानी पड़ेगी, तो वहाँ पर तो मैं ये वीडियो नहीं बना सकता। तो ऑलमोस्ट हमारे यहाँ पैकअप हो चुका है, आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर, सी या।